को क्या सीन चल रहा है। सबसे पहले मैं आप सभी दर्शकों को संगीता तिवारी की तरफ से प्यार भरा नमस्कार बोलना चाहूँगी। आज हम लोग यहाँ पर सेट पर भोजपुरी फिल्म टकराव की शूटिंग के लिए इकट्ठा हुए हैं और क्लाइमेक्स सीन चल रहा है जिसमें सभी फाइटिंग चल रहा है। मेरे नेल्स भी टूट गए फाइट करते करते, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है अभी इसका, बट करना पड़ता है। ब्रेकिंग न्यूज, मेरी नेल्स टूट गई। कैसे बनेगा? इतने बड़े बड़े नेल्स में ये टूट गई मेरी नेल्स, बट इट्स ओके, अब आ जाएगा, अपने आप ही आ जाएगा। संगीता, आपके किरदार की बात करें तो किस प्रकार का किरदार है इसमें? जहाँ तक बच्चा पार्टी बता के गई कि चोरनी का लीडर है। यस, चोरनी की, मैं बता दूँ आप लोगों को, मैंने इतनी सारी फिल्में की है, आज तक मुझे ऐसा रोल नहीं मिला था जिसमें मैं चोरनी बनूँ। इस फिल्म टकराव में मैंने चोरनी का रोल प्ले किया है और इसको प्ले करते करते मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। मैं सेट पर सबका पॉकेट चुरा रही हूँ, ऑरिजिनली चोरनी बनने जा रही हूँ, तो मुझे प्लीज़ अपने अपने पॉकेट यहाँ से जाने के बाद चेक कर लेना, गायब तो नहीं हो गया। बहुत मज़ा आ रहा है इस कैरेक्टर में और डिफरेंट शेड है मेरे लिए और इसके गाने भी बहुत अच्छे हैं। तीन गानों का पिक्चराइजेशन हुआ है जो आप जब फिल्म थिएटर में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह के गाने हैं। ये सस्पेंस है, बहुत ही हॉट एंड सेक्सी है, आप ज़रूर देखिएगा। संगीता जी, अगर बात करें चोरनी का तो रियल लाइफ में भी कभी आपने पर्स मारा है चलती हुई ट्रेन में, बस में? ओह माय गॉड, आप तो मुझे सच में चोरनी बना रहे हो। जी नहीं, ये किरदार करने के लिए इस प्रकार के कभी कुछ सोचा? एक्चुअली मैं बताऊँ, मैं बहुत ही बेचारी और सीधी साधी लड़की हूँ। जब मैं स्कूल जाती थी ना, तब एग्ज़ाम्स के समय में अगर किसी क्वेश्चन का मुझे आंसर नहीं आता था तो मैं बगल में ऐसे करके भी नहीं देखती थी, इतनी डर जाती थी मैं, बहुत ही डर। पैसे तो कभी निकाला होगा? पैसे पापा के पर्स से निकाला मैंने एक बार, आपने पकड़ ही लिया। पापा के पर्स से निकाला, लेकिन मैं ज़्यादा देर तक उस चीज़ को हजम नहीं कर पाई और 10 मिनट के अंदर ही मैंने पापा को बोल दिया, पापा एक बात बोलनी है, बड़े मतलब फिल्मी अंदाज में। आज तक मैंने ऐसी गलती नहीं की, लेकिन आज पहली बार ऐसा किया है, मुझसे बहुत ज़्यादा मुझे गिल्टी फील हुई, मैंने पापा को बोला। छोटी थी तो भी पापा ने भी इतना ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया, बोले बेटा इस तरह की गलती नहीं करना दोबारा, दैट्स इट। टकराव की बात करें संगीता जी, तो पूरे प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, को एक्टर, किस प्रकार का केमिस्ट्री रही लोगों के साथ फिल्म के दौरान? इस फिल्म के दौरान तो सभी कलाकार अच्छे हैं और फिल्म के सबसे खास जो पॉइंट है इस फिल्म के, हमारे जो डायरेक्टर हैं इकबाल बख्श, उनके साथ मेरी पहली फिल्म है और उनका डायरेक्शन बहुत ही कमाल का है। उनका ऐसे क्लिक कर जाता है कि मुझे ये शॉट ऐसे लेना है, ये शॉट ऐसे लेना है, ऑन द स्पॉट उनका क्रिएटिव माइंड जो चलता है तो वो काबिले तारीफ़ है। मैं उनकी बहुत तारीफ़ करना चाहूँगी, पहले भी उन्होंने काफ़ी फिल्में बनाई है पर पहली बार मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला। और फिल्म के जो प्रोड्यूसर है निसार जी, संजय निसार जी, वो भी काफ़ी सुलझे हुए इंसान हैं और हमारे मेरे जो को स्टार है अमरीश सिंह जी, बहुत ही अच्छी केमिस्ट्री हमारी, हमने काफ़ी शोज़ वगैरह भी किया है आगे और उनके साथ में शोज़ वगैरह करने के बाद में मैंने ये फिल्म किया, तो हमारी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। और अमरीश जी के साथ भी बहुत मिलनसार नेचर है उनका, बाकी पूरा टीम बहुत अच्छा है, काम करके मज़ा आ रहा है। और संगीता जी, अगर बात करें संगीता तिवारी की, तो महीने की तनख्वाह जैसी हो गई है, महीने के 1 तारीख को ही मिलती है मीडिया से, बीच में नहीं, 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 कुछ नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है, जब जब मुझे मौका मिलता है मैं तो बहुत वेलकम करती हूँ मीडिया का और दिल से कद्र करती हूँ, क्योंकि आप लोग हो तो ही हम हैं, अगर आप लोग नहीं हो तो हमारी तो मतलब थिएटर तक कौन जाएगा हमें देखने के लिए। जब जब कुछ मौका रहता है तब तक ज़रूर मैं आप लोगों को याद करती हूँ और हमेशा करती रहूँगी। मैम, बात करें इस फिल्म से पास पंडित करियर की स्टार्ट कर रही हैं, क्या करना चाहें भोजपुरी सिनेमा में? पायस की ये पहली फिल्म है, डेब्यू कर रही है इस फिल्म से, तो मैं उसको बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ, अच्छा कर रही है, सीख भी रही है, नेचर भी अच्छा है, काफ़ी आगे तक जाएगी। आपकी उनकी बहुत अच्छी केमिस्ट्री है, अब तो क्लाइमेक्स होने आया है फिल्म का और काफ़ी हम लोगों के बीच में घनिष्ठता बढ़ गई है, अच्छा लग रहा है। संजय निसार जी जो फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, क्या कहना चाहें, वो शांत स्वभाव के रहते हैं? आपको बता दूँ, संजय जी की जो वाइफ है काजल जी, वो भी एक रोल प्ले कर रही है, तो काजल जी हर वक्त सेट पे होती है, तो आप समझ सकते हैं कि संजय जी खामोश नहीं हुए तो और क्या हो सकता है। उनका स्वभाव शांत है,
बिल्कुल मिलनसार है और एक्चुअली वो बाकी चीज़ों में ज़्यादा ये चीज़ कैसे होगा वो हुआ कि नहीं सारी चीज़ों में एक प्रोड्यूसर के दर्द तो आप भी समझ सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे आपको जो चोर पार्टी में है एक छोटी सी गुड़िया है? मैं बहुत प्यार करती हूँ मेरी चोर पार्टी में। एक छोटी सी गुड़िया है जिसको मैं अभी आपके सामने लाऊंगी और ये मेरी गुड़िया आ गई। ये छोटी सी चोरनी है हमारी, बहुत ही क्यूट है। और मेरी जो चोरनी वाली टीम है इसमें दो और चोर हैं जो अभी उनका बैकअप हो गया है, घर चले गए हैं। मेरी ये चोरनी बची है, ये आपसे कुछ बोलना चाहेंगे। आप अपना नाम बताओ। नबीला फातिमा। अपना कैरेक्टर बताओ फिल्म के लिए, नाम क्या है फिल्म का? टकराव। और इसके डायरेक्टर कौन है? इकबाल बख्श। इकबाल बख्श कौन है? मेरे डैडी। इनके पापा हैं इकबाल बख्श और ये डैडी की प्यारी प्यारी बिटिया है जो फर्स्ट टाइम इसका भी डेब्यू है टकराव से। आप कुछ बोलेंगे मीडिया को अपने तरफ से? बोल दो बेटा। बहुत शर्मीली है। कितने पैसे चुराए अभी तक? 3,370। ओ वाओ। वो पैसे किसके पास है? संगीता जी के पास? किसके पास है वो पैसे? संगीता दे दी। उस पैसे से हम लोगों ने पार्टी की और हमारी और दो लोग और थे हमारे साथ में जिनका पैकअप हो गया। हम लोगों ने पार्टी की, उनको जो जो पसंद थी चीज़ें मैंने सबको खिलाया। अब जिसका पॉकेट मार रहा है हमारा हीरो हमारे पीछे पड़ा और हम लोग भाग रहे हैं, हाँ वहाँ दौड़ा रहा है हमको। मैम बात करें, आपने शुरुआत किया, एक नई पहल किया है, अब तक गर्ल्स के बैंड नहीं थे तो आप सेवन गर्ल्स लेके आई हैं रेनबो बैंड। जैसे कि हमने पहला ही शो किया है घाटकोपर में, 7 रेनबो गर्ल्स बैंड ही मैंने बनाया है, तो इसका फर्स्ट एक्सपीरियंस ही ज़बरदस्त रहा। ऑडियंस पूरी मतलब सीट भरी हुई थी, पूरा खचा खचता हॉल, जिससे मुझे और हिम्मत मिली है। अभी हम लोग शो प्लान कर रहे हैं, लखनऊ में 3 लाइन से शो कर रहे हैं, फिर गोवा में है, दुबई की बातचीत चल रही है, बाकी जैसे जैसे होगा हम आपको बताते जाएंगे कि अब कहाँ है अब कहाँ है। बाकी 7 रेनबो गर्ल्स में गुंजन पंजी भी है जो मेरी अच्छी फ्रेंड है, मेघना पटेल है, आरती राणा, कयूरी शाह और दो हमारे सिंगर है रानी शर्मा और तृप्ति सिन्हा। ये हम लोग 7 लड़कियों का जो बैंड बनाया हुआ है इसको लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, बहुत सारी इंक्वायरीज आ रही है और इसके ऊपर भी हमारा वर्क चालू है। ओके, विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।